हेलो दोस्तों, एस पी जी के विद विक्की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हिस्ट्री के छोटे छोटे टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आज का टॉपिक है आपका ब्रह्म समाज। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की गई, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्यापक बुराइयों जैसी सती प्रथा, बहुप्रथा, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। राजा राममोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली बंगाल में हुआ था। इनकी शिक्षा पटना एवं बनारस में हुई थी और इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने जॉन डिग्बी के दीवान के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ समय तक कार्य किया था। राजा राममोहन रॉय ने जातिवाद, अस्पृश्यता एवं सती प्रथा पर कड़े प्रहार किए। इन्हीं के प्रयासों में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। 1809 में उन्होंने तुहफात उल मुबाहिदीन नामक पुस्तक फारसी भाषा में लिखी, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा एवं 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में उन्होंने प्रेसिडेंस ऑफ जीसन नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बंगाल भाषा में समाज कौमुदी एवं फारसी भाषा में मीरातुत अखबार का प्रकाशन किया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्होंने राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। यहाँ पर इंग्लैंड में ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा और रतन बोधिनी सभा की स्थापना की। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ और आदि समाज और ब्रह्म समाज, जिसके प्रमुख देवेंद्रनाथ टैगोर थे और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भारतीय ब्रह्म समाज बना। 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्प आयम पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया, जो कि ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लेख किया था। अतः भारतीय ब्रह्म समाज में उन्होंने प्रति असंतोष पनपने लगा। अगर